संख्या क्या होता है। आइए, संख्या के पहले हम लोगों को अंक के बारे में जानना होता है कि अंक क्या है, उसके बाद हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग अंक का परिभाषा जानते हैं कि अंक क्या होता है। जैसे समझिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को ही हम लोग अंक कहते हैं। बहुत लोग तो अंक का परिभाषा नहीं जानता है कि अंक क्या होता है, पहले अंक समझना है। तो यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि सबसे छोटी अंक क्या होता है, क्या बताना है? सबसे छोटी अंक क्या होगा? ये अंक हो जाएगा 1। अब सबसे बड़ी अंक क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी अंक हो जाएगा, यहाँ सब जवाब मिलेगा 9। अब यहाँ तो अंक के बारे में हमने जान लिया, अब हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या क्या होता है? संख्या के परिभाषा होता है जब 2 अंक और 2 से अधिक अंक आपस में मिलते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। क्या बताएं? जब 2 अंक और 2 से अधिक अंक, 2 से अधिक अंक आपस में मिलते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है, निर्माण होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संख्या का निर्माण कैसे होता है। देखिए, अभी हमने बताया संख्या का निर्माण कैसे होता है। 2 अंक, 2 अंक मतलब 1 और 0 मिला तो ये क्या हो गया? संख्या हो गया। 2 से अधिक अंक, जैसे 1 पर 3 0, 2 0 भी तो हो सकता है, मतलब संख्या अनंत तक चला जाता है। कोई अगर प्रश्न आएगा कि संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है तो दिमाग लगाइए आप लोग, संख्या का शुरुआत कहाँ से होगा? 9 तक तो अंक ही होगा, 9 पर से क्या होता है? 10। तो सबसे छोटी संख्या, प्रश्न आता है सबसे छोटी संख्या कौन होता है, सबसे छोटी संख्या प्रश्न आएगा तो आपका जवाब होना चाहिए कि 10 होगा। अब बोलेगा सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो जवाब आना चाहिए अनंत होता है, क्योंकि संख्या का फिर गिनती आप कंटिन्यू गिनते जाइएगा तो अनंत तक संख्या चली जाती है। अब संख्या में, अब यहां से और प्रश्न सीखना है कि 2 अंकों की, अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो जवाब आना चाहिए 10। सबसे बड़ी संख्या कौन होगा जनाब, तो जवाब आना चाहिए। अब आप बताइए, 10 से तो शुरू होता है 2 अंक, अंत कहाँ होता है? 99 पर। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाना चाहिए? 99। 99 पर से क्या होता है? 100। तो 100 कितना अंक का होगा? 3 अंक का। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा जी? 100। 3 अंकों के अंत कहाँ से होता है? तो 999। 999 पर से क्या हो जाता है? 1000 हो जाता है। तो प्रश्न यहाँ होना चाहिए, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो गया? 999। 4 अंकों की छोटी संख्या कितना हो गया? 1000। और 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो गया? 9999। कहने का मतलब ये हुआ, जितना अंक की छोटी संख्या बोलेगा उससे 1 0 कम कर देना। अगर बोलेगा 5 अंकों की छोटी संख्या तो 4 ही 0 बैठाना है। कितना 0 बैठाना है जी? 4 0। अगर बोलेगा 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 9 बैठा देना है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि संख्या के बारे में बताएं, अंक के बारे में बताएं। अगला क्लास आपका कल होगा।